इट वॉज सो मच फन ब्रेकिंग थिंग्स. मैंने कई चीज़ें तोड़ी हैं, ग्लासेस तोड़े हैं, वेज तोड़े हैं, जग्स तोड़े हैं. खुद मैं खुद भी अपने आप को गिराया है एंड आई गॉट हर्ट. लाइक आई गॉट लाइक अ बम्प जब मैं सीढ़ियों से गिरती हूँ. एंड हाँ तो वो बट हाँ वो सही ओवरऑल फन बहुत था. गन्स तो क्या, मुझे तो छुरी चलानी भी नहीं आती, बस किक शिक मार देती हूँ. फुटबॉल को नहीं, बस ऐसे ही. नहीं आप फिर मुझे किक ना कर दीजिएगा, मैं भी फुटबॉल की तरह ही हूँ. मैं आपको किक कैसे कर सकती हूँ, आप तो मेरे होने वाले हस्बैंड है ना. प्यारी मोना, मैं आपको जो किंजा का किरदार मिला, आपने कभी किंजा जैसी लड़की अपनी असल जिंदगी में देखी है? नाइविटी वाला जो उसका पार्ट है, मासूमियत, उसमें हाँ डेफिनेटली. और लड़कियां तो एक सर्टेन एज से पहले होती हैं, यू नो अर्ली 20s तक भी, लेट टीन्स में होती हैं. जो उसका क्लमजी वाला पार्ट था जहाँ पे वो चीज़ें तोड़ रही है, खुद भी गिर रही है, वैसे मैंने तो नहीं देखा था कहीं. और मुझे शुरू में थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा था कि मैं स्टार्ट करने से पहले जब मैं खुद पढ़ रही थी कि यार इसको मैं कैसे बिलीवेबल बनाऊँ. बट देन द थिंग इज, वो कुछ गलत करती है अगर वो अब गिरा देती है चाय या कुछ किसी के ऊपर, देन शी जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ मैं हूँ ऐसी. और वो बता भी देती है कि दिस इज़ जस्ट हाउ आई एम एंड शी ओन्स इट एंड शी इज़ यू नो कॉन्फिडेंट अबाउट इट. इवन शी गोज अराउंड बीइंग लाइक, वो नहीं करती कि अच्छा अब मैंने कर दिया अब मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे. लाइक वैलिडेशन नहीं चाहिए उसको किसी की. सो आई रियली लाइक दैट. एंड लाइक मस्त मलंग है. अंदाज़ा भी है कि आगे क्या होने वाला है. तुम्हारी ये हरकत सिर्फ तुम्हारी नहीं सबकी खुशियों को दांव पे लगा देगी. लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मेरा कसूर ये है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और दानियाल तुम्हारे हर फेल में मुझे जिम्मेदार ठहराता. मोहब्बत गुमशुदा मेरी में जो रुशना का किरदार है वो बहुत ही मैच्योर बहन, बहुत सपोर्टिव बहन दिखाई है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. आपकी इस किरदार से क्या तवक्कुआत थी? मेरी इतनी ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थी क्योंकि मुझे था कि शायद ये एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है और इसका काम है अपनी बहन को सपोर्ट करना. और हाँ उसमें लेयर्स मुझे फील हुई थी, लेकिन मुझे था कि हाँ ठीक है एक बहन है. लेकिन लोगों ने काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया और जितने लोगों से मैंने बात की है उन्होंने कहा कि हमने ये इस तरह का बॉन्ड बहुत टाइम बाद देखा है टीवी स्क्रीन्स पे. एंड देन फिर मैंने सोचा और कुछ लोगों ने मुझे एग्जांपल्स दी बाकायदा कि एक ने दिखाया था कि वो उसके यू नो हस्बैंड को छीनने की कोशिश कर रही है, एक दिखा रहे हैं कि कोई वो साजिश कर रही है. तो इस तरह के रिसेंट में लोगों ने देखे हैं कैरेक्टर्स और उन्होंने इसको इसीलिए बहुत अप्रिशिएट किया. तो ये मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बियॉन्ड चला गया. अगर तुमसे मोहब्बत से बात नहीं करूँगा तो फिर कैसे करूँगा? इधर हो तुम्हें मंगेतर थे, लेकिन आपने कभी मंगेतर की तरह ना देखा ना मोहब्बत से बात की. मुझे लगा था कि आपका मिजाज ही ऐसा है. अच्छा एक चीज़ जो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि जो मोहब्बत गुमशुदा मेरी में दानियाल का किरदार अदा कर रहे हैं अली रज़ा, उनकी मूछ पे बहुत तबसरे होते हैं कि वो फेक है, फेक लग रही है. आपको कैसी लग रही थी जब आप उनके साथ काम कर रही थी? थिएटर में मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों ने फेक मूछें और दाढ़ियाँ बनाई हैं कैरेक्टर्स के लिए, तो उससे कंपेयर करें तो काफ़ी रियलिस्टिक लग रही थी. और अली की मजबूरी थी क्योंकि कंजेक्यूटिवली उसकी और शूट्स चल रही थी, तो वो ग्रो आउट असल में नहीं कर सकता था. कभी कभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता एंड दे ट्राई टू डू देयर बेस्ट. जितना सेट पे भी तफरी लगती थी इसके ऊपर बहुत, इस पे बहुत लगती थी एक्चुअली. आपने मुझे याद दिलाया तो मुझे याद आया, वी हैव वीडियोज ऑफ यू नो हिम एवरी डे द मूछ वुड लाइक यू नो टिल्ट अ बिट. कभी कोई साइड ऊपर है, कभी नीचे है. चूरा था ना तो कभी वो बाहर हो जाता है, कभी अंदर. और फिर उसको उतारना और लगाना भी एक पौना घंटा उसको लगाने में लगता है और कोई आधा घंटा उसको उतारने में लगता है. एंड वी वुड वेट क्योंकि हम सारे साथ जाते थे, काफ़ी बार हम कहीं बाहर भी चले जाते थे तो इस दिन रगड़ रहा है, वो मूछ नहीं निकल रही. एंड ऐसे ही चले जाओ यार, एंड वो ऐसे भी नहीं जा रहा क्योंकि वो कॉन्शियस भी हो रहा है. फिर आधी के साथ चले जाओ, उसको हम छेड़ते रहते थे. आपने जो अब तक किरदार किए हैं उनमें आपके ख्याल में आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है? रुशना वॉज अ लिटिल चैलेंजिंग.
नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज, लेकिन इमोशनली, बिकॉज कुछ चीज़ें उसमें, जैसे हाउ द मदर इज सो स्ट्रिक्ट एंड हाउ द फैमिली इज सो, ऑल्दो अ लॉट ऑफ इट वॉज रिलेटेबल, कि यू नो एक मिडिल क्लास मोरालिटी वाली चीज़ रिलेटेबल, बट थोड़ा सा जब वो वॉयलेंस पे और ज़रा सा एक जो सफोकेशन है पूरा और जॉइंट फैमिली ऑल्सो, वो थोड़ा सा डिफरेंट भी था मेरे लिए. सो इमोशनैलिटी के उससे आई थिंक दैट वॉज डिफ़िकल्ट टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया जी क्यों इतना मान रही, वाई कॉन्ट शी जस्ट स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ एंड इवन फॉर हर सिस्टर एंड टेल हर पेरेंट्स यार कि यार जस्ट बी अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग, बी मोर एम्पथेटिक. ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है सूरत हाल के इस ड्रामे में. जो रोशना की फैमिली है, रोशना और जुबिया की, वो बड़ी उनका जो आउटलुक है वो काफ़ी बैलेंस और काफ़ी मैच्योर लगता है. लेकिन बट लगता है हाँ, लेकिन रोशना का किरदार जो है हर वक्त दबा दबा सा, खामोश, डरा डरा सा. एग्जैक्टली, वो डर जो है वो भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट था टैप इन करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ. बट देन रोशना की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज आई फील लाइक उसका एक्सपोजर, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका दिमाग ही वहाँ तक नहीं जा रहा ना. शी डजंट फील लाइक कि वो पॉसिबिलिटी है कि वो अपने ट्रूथ को सामने भी रख सके और फिर उसके लिए लड़ना और उसका कॉन्सिक्वेंस बेयर भी कर सके. सो दैट वे शी इज़ अ लिटिल मीक. बट टेक्निकली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट पेइंग गेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज इट्स अ लिटिल आउट देयर कैरेक्टर. And it was a little raunchy as well, and I am a little shy. Pehla bhi tha mera, so I was like, I was also scared of like, will there be any setbacks? Will I get judged and stereotyped into these characters? And kinda that also happened. Like uske foran baad, I got like two bad girl characters, and I was like, yeah, I can do this, but I can do better as well. तो वो टेक्निकली डिफरेंट था कि यू नो मैं कितना रिवील करूं और किस तरह से उसको बनाऊं कि वो फिर भी थोड़ा क्लासी लगे, यू नो दैट रॉन्चीनेस शुडंट लुक वल्गर. फैंस की तरफ से आपको आपके अभी तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? बहुत अच्छा. सबसे बेस्ट ये कि सिर्फ लोग ये नहीं अप्रिशिएट कर रहे कि अच्छा एक एक्टर इतने सारे प्रोजेक्ट्स में आ रहा है तो यू नो वो कुछ होगा, लेकिन वो एक्चुअली समझ रहे हैं. मुझे एक ने किसी ने कहा था कि वो डॉक्टर हैं खुद, तो उन्होंने महालक के रिगार्ड से कहा था कि ये आपने मुझे बहुत ही एक इस तरह की चीज़ दिखाई है जिससे मैं खुद रिलेट भी कर सकती हूँ, और मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को उनकी ट्रबल्स को या उन स्पेशली वो एक जो सीन था ना जिसमें महालक थोड़ी ओवरवेलम हो जाती है और वो बड़ा मुश्किल सा एक गन शॉट वाला शुरू में होता है, तो वो उसने उससे बताया था कि यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल एक्सपेक्ट कि डॉक्टर्स जो हैं वो एक मिरेकल वर्कर हैं और वो हमेशा एक सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल करेंगे, और फिर लोग उन पर काफ़ी बरस पड़ते हैं अगर वो उस तरह से नहीं होते उनके एक्सपेक्टेशंस में. लेकिन डॉक्टर्स को भी ह्यूमनाइज करना ज़रूरी है, तो उन्होंने वो चीज़ कही तो मुझे फिर अच्छा लगा. मैंने कहा दिस इज़ लाइक आप किसी की लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, उनको हर्ड और फील सीन करना आप यू नो इनेबल कर रहे हैं. सो क्या आप रिस्पॉन्सिबल फील करती हैं बतौर अदाकार कि कौन सा किरदार लिया जाए जो ख्वातीन को सही तरीके से पोर्ट्रे कर सके? डेफिनेटली आई थिंक कुछ हद तक अदाकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है. और एक तो ये होता है कि ऑब्वियसली किसी भी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए यू नीड अ प्रोटैगनिस्ट, यू नीड एन एंटैगनिस्ट. द एंटैगनिस्ट विल हैव problematic behaviors, they will be toxic in a certain way, but up to what extent, that is the question, and in what way are they presented. Obviously achhi writing hoti hai to phir joker jaise antagonist ke sath bhi aap empathize kar lete hain. Problem ye hai ki antagonist ko agar aapne flesh out nahi kiya hua theek se aur wo वही सिचुएशंस रिपीट किए जा रहा है एंड देन इट्स डेकेड्स ऑफ एन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग द सेम स्टोरीज, फिर सोसाइटी में उस चीज़ की पेनिट्रेशन हो जाती है. तो वहाँ पे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली एक पूरे हायरार्की की आती है. बट एज एन एक्टर
मैंने कोशिश डेफिनेटली की है कि कुछ चीज़ें मैं नहीं करूँ।